हमें बिल्कुल जंगली बर्बर दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता था, हम पेड़ पर लटकने वाले बंदरों के समान थे। जब भी हम इतिहास की कोई किताब पढ़ने का प्रयास करते हैं, स्पेशली ऐसा इतिहास जो कि इंडियन ओशन के आसपास की जगहों का हो, भारत का हो सकता है, मेडागास्कर का हो सकता है, जिम्बाब्वे का हो सकता है, इंडोनेशिया और उसके आसपास के आइलैंड्स का हो सकता है, मज़ेदार बात हमें ये देखने मिलती है कि सारा इतिहास जो लिखा गया है वो वेस्टर्न राइटर्स की नज़रों से लिखा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे हम तो मसाले की दुकान लगा कर बैठे थे और हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे, हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आएंगे, आएंगे और आकर हमारा सारा मसाला खरीद के ले जाएंगे और हमें ढेर सारा सोना देंगे। लगभग सारा ही इतिहास इस तरीके से लिखा गया है, इसलिए आज की तारीख में अगर कोई रिसर्चर किसी भी स्थिति में किसी एक अंग का रिसर्च कर रहा है इस पूरे इतिहास में, पर्टिकुलरली इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, तो उसको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि राइटर की खुद की आइडियोलॉजी और इंक्लिनेशन किस तरफ था। अब जरा एक पल को आप रियल टाइम स्टोरी समझिए। पहले के समय हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने के लिए फंड्स दिए जाते थे और वो फंड्स स्वाभाविक सी बात है कोई आम आदमी नहीं दे पाता था। वो फंड्स दिए जाएंगे या तो किसी राजा के द्वारा, या किसी छोटे राजा के द्वारा, या किसी बड़े अफसर के द्वारा। और स्वाभाविक सी बात है जब फंड्स जो दे रहा है उसके बारे में या उसके खिलाफ कोई बात नहीं लिखी जाएगी। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो इतिहास लिखवाया वो पूरा इतिहास लेखन का कार्य जो था वो फंडेड बाय ब्रिटिशर्स था, इसीलिए जब भी बात करी जाएगी अंग्रेजों की तो अंग्रेजों को हमारा मसीहा दिखाया जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि हम इंडियंस जो हैं, हमें ना तो जीवन शैली पता थी ना सभ्यता, हमें बिल्कुल जंगली बर्बर दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता था, हम पेड़ पर लटकने वाले बंदरों के समान थे। कारण इसका सीधा सीधा है क्योंकि वो इतिहास लिखने का काम जिनसे कराया गया उनके घर में रोटी अंग्रेज भेज रहे थे। एक छोटा सा किस्सा है हुनसंग के बारे में। हुनसंग जो है वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि चाइना से भारत आए थे। उन्होंने अपनी जो भी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें एक किस्सा है जिसमें उनको लूट लिया जाता है, उनका सारा जो भी सामान है उसको लूट लिया जाता है। कश्मीर के आसपास की बात है, वहां पर कश्मीर के ब्राह्मण उनको कपड़े देते हैं, उनको कुछ सामान देते हैं और खाने की चीजें देते हैं। पर गजब की बात आप देखिए कि हुनसंग उनका शुक्रिया अदा करने की जगह, उनको थैंक करने की जगह उनको सरमन देने लगते हैं, उनको सुनाने लगते हैं कि किस तरीके से बुद्ध या बुद्ध के विचार या फिर इनका जो बौद्ध धर्म है वो कितना बेहतर है ब्राह्मणों से, या ब्राह्मणों में जो रिचुअल्स होते हैं, जो भी प्रथाएं होती हैं वो कितनी गलत है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी किस्सा पढ़ते हैं, कोई भी कहानी पढ़ते हैं, तो उसके पीछे लेखक का किस तरफ झुकाव है, लेखक की सोच क्या है और लेखक किस बैकग्राउंड से संबंध रख रहा है, ये जानना जरूरी है। अगर हम ये नहीं जान पाएंगे तो हम बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे कि जो लेखन है उसमें तथ्य कितना है और कितना तथ्यों को मोड़ा गया है ये समझ पाएंगे।